सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तरन्नुम ज़िया। देखिए फ्रेंड, आज मैंने ये एक और न्यू डिज़ाइन बनाया है बबल्स में। ये बबल्स में देखिए, मैंने यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये न्यू डिज़ाइन बबल्स के बीच में लिया है। तीन तीन बबल्स की ये लाइन बनाई है मैंने, फिर ये डिज़ाइन दिया है, फिर तीन बबल्स बनाए हैं, फिर ऊपर ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर आएगा। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप किसी भी कार्डिगन में इसे बना सकते हैं, जेंट्स में, किड्स में या लेडीज़ में, बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा। ये किस तरह से बनाया जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए पहले मैं आपको सिर्फ एक लाइन बबल्स की बनाकर दिखाऊंगी और ये डिज़ाइन डालकर, क्योंकि तीनों बबल्स दिखाने में मुझे वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ एक बबल्स बताऊंगी आपको और बबल्स आपको खुद बनाने आ जाएंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ये 20 फंदे ले लिए हैं और दो सिलाइयाँ मैंने इसमें उल्टी बना ली हैं। तो पहले हम सीधी और उल्टी 8 सिलाइयाँ बना लेंगे। देखिए फर्स्ट हमने ये सिलाई जो हम बना रहे हैं वो सीधी है, देखिए एक सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हुई। अब हमारी ये उल्टी सिलाई है, ये उल्टी जो है। पांचवी सिलाई है हमारी अभी सीधी। सीधी सिलाई कंप्लीट हुई। अब हमारी छठी सिलाई है ये उल्टी। देखिए सातवीं सिलाई हमारी सीधी है। एक बात आपने ध्यान रखनी है, जब आप कार्डिगन में बबल्स बनाने को स्टार्ट करते हैं तो आपका जो पहला बबल्स की लाइन बनती है वो आपकी नवी सिलाई पर आएगी, क्योंकि पहली सिलाई जो है आप सीधी बनाएंगे तो नवी सिलाई पर, नवी सिलाई सीधी हमारी आकर पड़ती है। तो पहला बबल्स की लाइन जो है वो नवी सिलाई पर पड़ेगी और बाकी जो बबल्स ऊपर को बनेंगे और लाइन बबल्स की, वो आठवीं सिलाई हमारी पड़ती है। हर आठवीं सिलाई हमारी पड़ेगी, क्योंकि एक एक बबल्स बन जाने के बाद, एक लाइन बबल्स की बन जाने के बाद जो है हमारी पहली सिलाई जो हम गिनते हैं वो उल्टी सिलाई से गिनते हैं, तो हमारी आठवीं सिलाई आती है। इसलिए उसके बाद सिर्फ आठवीं सिलाई से ही आप बबल्स बनाने लगेंगे। पहला बबल्स आपका नवा पड़ेगा, क्योंकि नवी सिलाई पड़ेगी, क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं कार्डिगन बनाना तो पहली सिलाई हमारी सीधी आती है। देखिए अब हमारी ये नवी सिलाई आ गई है, इस पर हम बबल्स बनाएंगे। बबल्स का तरीका क्या है, देखिए पहले ये हम ये दो फंदे हमने बुनाई कर दिए हैं सीधे, एक्स्ट्रा फंदे ले कर दिए हैं इनको। अब देखिए पांच फंदे आप गिन लेंगे बीच में, जो आपको फली के बीच में दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4 5, और ये यहाँ छठे पर हम ये सिलाई डालेंगे और इन फंदों को इस तरह से उधेड़ देंगे और यहीं से हम, सॉरी हमें दूसरा कलर लगाना है इसमें यहाँ पर, तो जब हम बबल्स बनाते हैं तो हमने दूसरा कलर लगा लेना होता है, अगर टू कलर में आप बुन रहे हो तो, और अगर सिंगल में बुन रहे हो तो सिंगल से ही बुनाई कर लें। देखिए यहाँ से हमने ये
निकाल दिया है, ये फंदा हमारा यहाँ से आ गया। अब अगले तीन फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे, तीन फंदे बीच में रखने होते हैं सीधे, तीन फंदे बुनने के बाद हर चौथे फंदे पर बबल्स बनाएंगे। देखिए अब तीन फंदे हम सीधे बुन देंगे, एक दो तीन, तीन फंदे हमने बुनने के बाद फिर से हमने ये बबल्स बनाना है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः पर ये सिलाई डालनी है और इन फंदों को जहाँ तक ये सिलाई है इस फंदे को हमने इस तरह से उधेड़ देना है और यहाँ से ये फंदा निकालना है। फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, फिर ये चौथे फंदे पर हम यहाँ बबल्स बनाएंगे। फिर तीन फंदे, एक दो तीन, फिर तीन फंदे, एक दो तीन, फिर चौथे फंदे पर बस आप ये फली के बीच के धागे गिन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः टेक पर आप ये यहाँ से सिलाई डालकर फंदा निकाल दोगे और ये उधेड़ दोगे जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक। ये फंदा यहाँ से बुन लिया हमने, देखिए पहला हमारा बबल्स बन गए हैं। अब हमने क्या करना है देखिए, अगर जब अभी तो मैं तो आपको सिर्फ ये एक लाइन बता रही हूँ, आपने फिर इस पर दो ऊपर ही बनाने होते बनाओगे, तीन तीन मैंने ये बबल्स रखे हैं देखिए इस तरह से, फिर ऊपर आप इसके बाद फिर ऊपर आप बनाओगे, फिर एक बबल्स बनाओगे तब ये डिज़ाइन डालोगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक लाइन बता रही हूँ, दूसरा आप खुद करोगे। मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह से, देखिए ये जो हम तीन फंदे सीधे बुनते हैं जब आप दूसरा बबल्स बना कर लाओगे या आठवीं सिलाई पर, तब आपने ये तीन फंदे देख लेने हैं। एक फंदा ये यहाँ पर लंबा है जिसमें से हमने बबल्स बनाया है, ये तीन फंदे जो हैं इसके बीच वाले फंदे पर अब की बार आप बबल्स बनाओगे दूसरे कलर से, अगर टू कलर में आप बना रहे हो और सिंगल है तो फिर सिंगल से ही बनाओगे। ये तीन फंदे इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि अगला बबल्स हमारा इस बीच वाले फंदे पर बनता है। अब मैं आपको ये वाला डिज़ाइन दिखाऊंगी, ये वाला तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए अब हमारी उल्टी सिलाई है तो हम उल्टी सिलाई को सीधा बुनेंगे, उल्टी सिलाई को उल्टा ना बुनकर हम ये सीधा बुनेंगे। सीधा इसलिए बुनते हैं हम कि हमें इधर सीधी जो हमारी साइड है राइट साइड जो है हमारी उस पर हमारी ये रॉन्ग सिलाई बनकर आए। देखिए अब हमें ये येलो कलर लगाना है तो येलो कलर के लिए भी हम यहाँ पर सीधी सिलाई बनाएंगे, सीधी पर हम सीधा ही बुनाई करेंगे और उल्टी पर भी हमने सीधा ही बुनाई करना है। दो सिलाइयाँ एक कलर की बनेगी तब जाकर हमारा ये एक सिलाई कंप्लीट होगी। ये सीधी साइड जो है हमारी राइट साइड उस पर हम ये सीधी ही सिलाई बनाएंगे, दूसरे कलर की जो हम स्टार्ट करते हुए लाएंगे।
लेते हैं क्या। अब हमने क्या करना है, अब फिर हमारी उल्टी, देखिए उल्टी साइड आई है हमारी, तो फिर से हम यहाँ पर सीधा ही बुनेंगे। इस उल्टी सिलाई को भी हम सीधा बुनेंगे, उल्टा नहीं बुनना है। जिस तरह से पिछली सिलाई हमने उल्टी पर सीधी बुनी थी, इसी तरह से ये सीधा बुनेंगे। इधर जब हमारा ये देखिए ये रॉन्ग हिस्सा आएगा, देखिए हमारी ये रॉन्ग सिलाई इधर आ चुकी है। अब फिर से देखिए हम यहाँ हमें ये कलर लगाना है, तो सीधी पर हम सीधी ही सिलाई बुनेंगे। दो सिलाई ही हमारी इसकी कलर येलो कलर की बुनाई हुई, एक सीधी और एक उल्टी पर सीधी। देखिए सीधी पर हम सीधा ही बुन रहे हैं दूसरे कलर से भी, लेकिन जब उल्टी सिलाई हमारी आएगी तो हम उल्टी पर भी सीधा बुनेंगे। देखिए अब उल्टी सिलाई है हमारी, ये रॉन्ग साइड है, तो यहाँ पर भी हम इस सिलाई को सीधा ही बुनेंगे। कि सीधी उल्टी सिलाई पर सीधी सिलाई है हमारी, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए हम यहाँ पर इसी कलर से ये यहाँ पर जाली बनाएंगे। देखिए पहला फंदा हम इसी तरह से उतार देंगे, इस ऊन को हम अपने आगे लाएंगे, फिर हम ये सीधे दो फंदे इस तरह से नहीं लेंगे, यहाँ से आप ये आगे से इस तरह से यहाँ से आप लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ बुन देंगे। देखिए एक साथ बुन दिया इनको, फिर से ऊन आगे लाएंगे, फिर दो फंदों को एक साथ बुन देंगे। फिर ऊन आगे लाएंगे, इस पूरी सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट करना है। ऊन को अपने आगे लाकर दो फंदे सीधे बुनाई कर देने हैं एक साथ। फिर से ऊन आगे लाएं, फिर दो फंदे एक साथ बुनाई किए सीधे, फिर अपने आगे ऊन लाएं, फिर दो फंदे, फिर से ऊन आगे लाएंगे। पूरी सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट करना है। ऊन अपने आगे लाना ना भूलें, वरना हमारी जाली कट जाएगी, जाली नहीं बन पाएगी। देखिए फिर से आगे लाएंगे, फिर दो फंदे एक साथ सीधे बुनाई करेंगे, फिर ऊन आगे लाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे। अब हमारे यहाँ पर एक फंदा बचा है, इसको हम सीधा ही बुनाई कर देंगे। देखिए अब उल्टी ये देखिए रॉन्ग साइड है, फिर से रॉन्ग साइड पर हमने वही करना है कि उल्टी सिलाई पर देखिए हमने सीधी ही इसको सीधा ही बुनना है इसी कलर से। सिर्फ ये डिज़ाइन जो हम बनाते हैं
इसमें ही आपने ऐसा करना है, बबल्स जब बनाएंगे तो बबल्स में उल्टी सीधी दोनों सिलाइयाँ चलेंगी। देखिए कितनी खूबसूरत सा जाली बनकर आई है, बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन लगता है। अब देखिए हम इसमें फिर से ये येलो कलर लगाएंगे। येलो कलर लगाने पर हम इस सीधी तरफ से सीधी ही सिलाई बुनेंगे। ये देखिए अब उल्टी है, ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पर हमने फिर से उल्टी सिलाई को सीधा ही बनाना है। देखिए इस तरह से इसको सीधा ही बनाएंगे। सीधी साइड को भी सीधा ही बुनना है और उल्टी साइड को भी सीधा ही बुनना है, तभी आपका डिज़ाइन ठीक से आ पाएगा, वरना तो डिज़ाइन हमारा कट जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। अब फिर से आप देखिए ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब फिर से आप यहाँ पर से ये जो बुनाई करेंगे तो फिर से आप बबल्स के लिए बुनाई करेंगे ऊपर को। यहाँ पर से भी आप जब पहला बबल्स की लाइन बनाएंगे, यहाँ तो तीन तीन ही बननी है, ऊपर भी तीन तीन बननी है, लेकिन जब यहाँ से ये डिज़ाइन बनाने के बाद आप स्टार्ट करोगे बबल्स के लिए, तो आपने पहली पहली लाइन जो है बबल्स की वो नवी सिलाई हमारी सीधी आएगी। जब हम सीधी सिलाई इसको स्टार्ट करते हैं तो नवी सिलाई हमारी आकर पड़ती है, और जब हम और एक बबल्स की लाइन बना देते हैं, दूसरी हमें लाइन बनानी होती है, तब हमारी जो लाइन है सिलाइयाँ हैं वो आठवीं सीधी सिलाई आएगी, तो उस पर हम आठवीं पर बबल्स बनाएंगे, क्योंकि उसमें हम उल्टी सिलाई से सिलाई गिनते हैं। जिस सिलाई पर सीधी पर हम बबल्स बनाते हैं उस सिलाई को हम नहीं गिनते हैं। देखिए यहाँ पर से अब ये एक सिलाई हमने सीधी बुनाई कर दी है बबल्स के लिए। अब आप इसी तरह से सीधी और उल्टी सिलाइयाँ आठ सिलाइयाँ बना लेंगे, नवी सिलाई सीधी आएगी तो आप उस पर बबल्स बनाएंगे, और तीन तीन बबल्स हमें बनाने होंगे, तीन लाइन बबल्स की। देखिए फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मुझे कमेंट्स भी करें और किसी डिज़ाइन के लिए कैसा लगा आपको मेरा डिज़ाइन। देखिए एक एक बबल्स मैंने बना दिया है, इसी तरह से आप ये ऊपर बनाएंगे, जो ये तीन फंदे बीच के हम साथ बुनते हैं उसके बीच वाले पर दूसरा बबल्स चलता है। देखिए फ्रेंड्स मेरा कुकिंग चैनल भी इसी पर है, मेरा कुकिंग के जो वीडियोस आती हैं आप उन्हें भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, उन्हें देखकर लाइक शेयर करें। थैंक यू।